रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तुझे उससे प्रॉब्लम है और उसका गुस्सा तूने मेरे रिलेशनशिप पे निकाला है ऋत्विक। रोहित और सेतु के बीच में मैं आया हूँ और अब तुम्हारी मदद मांग रहा हूँ। इन दोनों को मिलाने में मेरी मदद नहीं करोगी तुम? मैं यहाँ सिर्फ सेतु के लिए रुक रही हूँ क्योंकि उसने अपना प्यार खोया है, इसलिए नहीं क्योंकि रोहित के पास पैसा है। मंजीत भाभी, जो अगर मैंने साइन कर दिया होते ना तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। चाची, ऋषभ कब आ रहा है बेटे? दादी, पा और ऋषभ कल सुबह की फ्लाइट से आ रहे हैं। ओह चंगा, मैं बहुत मिस कर रही हूँ बिजू को। ए डूड, क्या हो गया? रोहित कैसा? अरे यार कैसा होगा, अभी भी देवदास बना हुआ। आई होप ही इज ओके। कुछ चाहिए तुझे? रूम में कॉफी परांठे खाइए। मैं आपका फोन आ रहा है। Oh. Excuse me, guys. Hello? Hello? Annie? हाँ? ये रिकी भाई अभी भी पलक से बात करते हैं क्या? करते होंगे, मुझे क्या पता? सुन तो। क्या? इधर, अपने टॉप पे। क्या? Come here. Annie, I'm concerned. About what? यार, ये सब जो कुछ भी चल रहा है ना, मुझे सही नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। This whole पलक और भाई का एंगल ना, कुछ तो अलग ही चल रहा है यार। भाई का ना रिएक्शन इज वेरी डिफरेंट व्हेन शी इज अराउंड और उनके पता नहीं बिहेवियर है ना। एक सेकंड, तू लोड क्यों ले रही है? तेरा भाई ना अभी मेरे साथ एंगेज है, तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। एनी, मैं अफेयर की बात नहीं कर रही हूँ यार, मैं बस तुझे इतना बोल रही हूँ कि इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन अराउंड पलक। तो तेरा क्या चला जाएगा अगर भाई को पलक से थोड़ा दूर रख लेगी? तू मुझे नहीं जानती है क्या? देख, अगर मुझे किसी लड़के को छोड़ना होगा ना, तो मैं बोलूंगी देख भाई, वो रहा दरवाजा, चुपचाप वहां से निकल जाइयो। और ये टिपिकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चीज ना मेरे से ना हो पाएगा बहन, एक्सपेक्ट भी मत करियो। तुझे कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा अपने आप पे? वो तो बचपन से है यार। मुझे भी था ना, फिर क्या हुआ? मैंने अपनी इंटायर लाइफ में भाई को किसी भी लड़की को अपनी बेस्ट फ्रेंड बोलते नहीं सुना। ओके, अगर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो देख, अगर ये दोस्ती जो है ना इनकी, दोस्ती से ज्यादा हो गई ना, तब तो दरवाजा भी नहीं दिखा पाएगी। ओ ज्ञानी बाबा, अब ज्ञान दे रही तो साथ में प्लान भी बक दे। वो भी मैं बताऊं? हाँ, अरे अरे वो, हाँ वही लाल वाली फाइल, उसी की बात कर रहा हूँ। वो जैसे ही मिले मुझे बता। प्लान कुछ भी कर सकती है यार, जस्ट गो आउट विद हिम। मुझे नहीं पता, जैसे आई डोंट नो, देयर सो मच टू डू यार। मैं उसे फोर्स नहीं कर सकती। तुझे पता है ना कि हम दोनों इसीलिए खुश है क्योंकि मैं उसको किसी बात के लिए जबरदस्ती नहीं करती। क्यों नहीं करती? तेरी शादी होने वाली है ना, उससे करना चाहिए, पागली है। यू नो व्हाट, आई थिंक रीवा बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम उसकी तरफ पहल करोगी तो वो भी तुम्हारी तरफ आगे बढ़ेगा। अमन, तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तू मेरा हीरो आज से। डूड, आई हैव एन आइडिया। ऑलराइट, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अरे रुकिए, सुन, ये आप ही लाए हो ना इसको? दो ब्रेड के पीसेस दिए थे उसे, क्या है? मैं सोच रही थी ना, आज रात को मैं मैक्सिकन चिकन बनाऊंगी। गुड, बनाओ। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों, तेरा तो फेवरेट है ना? हाँ, इसीलिए नहीं खाऊं। तूने बनाना नहीं सिखाया ना रेसिपी? अरे एक सेकंड, तू रेसिपी का क्या करेगा? पता नहीं क्या डालती तू उसके अंदर, मैं पागल हो जाता हूँ जब भी लाता हूँ। एंड आई लाइक टू बी इन कंट्रोल, इसीलिए याद है तेरे को मैंने क्या कहा कि जब तक तू मुझे बनाना नहीं सिखाएगी तब तक मैं नहीं खाऊंगा। उन्हें क्या देखे? ठीक है, मैं एक सेकंड, मैं रेसिपी नहीं बता सकती। ओए रुक, रेसिपी नहीं बता सकती लेकिन जब मैं रात को खाना बनाऊंगी, यू कैन असिस्ट मी, सी चॉइसेस योर्स। मतलब आज जल्दी आना पड़ेगा काम से। ओए वाना बी सैफ अली खान, चल काम पे जाना। नो सर, बाय। एहे मैक्सिकाना। अगर पलक जैसी दोस्त बनाई होती ना तो मेरी शादी कभी नहीं टूटती। गलती कर दी मैंने, तुझ जैसा कमीना दोस्त बना के। देख दे ले गाली, तेरा बनता है। मतलब मैं जो कर रहा था तेरे अच्छे के लिए कर रहा था यार। अच्छे के लिए? तो अब बुरा करना भी बाकी है। See, we have to prioritize things. हमारी प्रायोरिटी अभी सेतु को मनाना है। अग्री? देख प्लान बनाना पड़ेगा कि उसको हम मना लें और we'll take it forward from there. Okay, good plan. तो बना प्लान, गलती की है तो सुधार उसे। और अगर तेरा प्लान तेरे जैसा घटिया निकला ना तो। ब्रो काम डाउन। ब्रो मेरे पास एक किलर स्ट्रेटेजी है, उसे घर से उठा लेते हैं। इससे बकवास आइडिया तुझे मिला नहीं? सुनना यार, ये पलक का रहे, उसने प्लान बनाया ना यहाँ आने का, मुझे अकेला छोड़ के।
कैसे लोग हैं यार, अपने ही बेटे के प्यार को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना लिया, और जैसे उन्हें लगा ना कि यहाँ बात नहीं बनने वाली है, तमाशा क्रिएट किया, मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा उठाया और रिश्ता कैंसिल कर दिया। सीतू तू सुन ही नहीं रही है। अच्छा सुन, अगर देखो रोहित के पेरेंट्स की हाँ चाहिए ना, तो ट्रस्ट तू एक बार अंकल को बोल की पेपर साइन करे, वो एक सेकंड में मान जाएंगे और तू बेस्ट बहू बन जाएगी उनके लिए। सुनती ही नहीं है यार। सेतु से प्यार करता हूँ मैं, उसे उठवाना नहीं है मुझे। और तू कौन सी घटिया फिल्म देख के आया? डॉन है कहीं का तू? पलक ने भी यही बोला था मुझे। तुम दोनों मिले हुए क्या? नहीं, लेकिन दिमाग नहीं खराब है हमारा तेरी तरह। लड़की उठवाने वाला है। ठीक है तो उठाएंगे नहीं, बात कर लेंगे। सीतू को उठाने की कोई जरूरत नहीं है। और रोहित, ऋत्विक के पागल आइडियाज मत सुनो। हाँ सीतू खुद आई है तुम्हारे पास। किडनैपिंग नहीं करवानी है मुझे अपनी। थैंक गॉड, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हाय। सॉरी। थैंक यू पलक, मैं जानता हूँ सेतु को लाने में तुम्हारा हाथ है। दोस्त होते ऐसा, वरना कुछ दोस्त तो ऐसे होते जो दुश्मन से भी बदतर होते। आइडियाज बुरे हैं तुम्हारे दोस्त के, पर दिल का साफ है। यार ऐसे इतना अंडरमाइन मत करो यार, ग्रुप एफर्ट था ये, टीम वर्क बोलते हैं इसको। ठीक है, प्लान मैंने बनाया था। हाँ रियली? क्या किया तुमने? बुरे आइडियाज लेके सेतु को मैं यहाँ लेके आई। सेतु मानी कैसे? शायद तू ठीक कह रही है पलक, रोहित के पापा ने जो भी किया ना सही नहीं किया। आई मीन अपने किसी काम के लिए उन्होंने मेरी शादी रुकवाने की कोशिश की, यहाँ तो बात लालच की है यार। किसी और के लालच के लिए मैं अपने प्यार को नहीं खोना चाहती, है ना? ये हुई ना बात। पर यार मैं नहीं चाहती कि रोहित को पता चले कि जो भी कुछ हुआ उसके पापा की वजह से हुआ, उसे बहुत बुरा लगेगा यार। यू नो मुझे बस रोहित का प्यार चाहिए, मुझे किसी और से कुछ नहीं लेना देना। डजंट मैटर। और प्लीज तुम ये बात रोहित को मत बताना, ये सेतु और रोहित के आपस का मैटर है और मैं नहीं चाहती कि हम बीच में बोलें। ऑलराइट गाइस, प्लीज चले, बहुत हो गया जिम। शादी करवाएं तुम्हारी? तू ही करवा, तोड़ा भी तो तू नहीं है। आई हैव अ फैंटास्टिक प्लान। ओके, मैंने सोचा कि तुम दोनों को ना मैं नो गाइस। पापा मुझे रिकी के ऑफिस में छोड़ दो ना प्लीज। बेटा रिकी और रोहित तो जिम में है। नहीं 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 नहीं, वो बोल के गया था कि वो ऑफिस जा रहा है। पर रोहित की सेक्रेटरी से मेरी बात हुई, उसने कहा कि दोनों सर जिम में ही हैं। ओके। इनफैक्ट मुझे रोहित से कुछ पेपर भी साइन करवाने हैं, रास्ते में होते चलते हैं। कूल। यहाँ से कुछ खा के निकलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। सीतू तू कुछ खाएगी क्या? कुछ नहीं। मैं भी कुछ नहीं खा रहा। मैं एक्चुअली कुछ नहीं खाने वाला था। ये कौन है? ये अक्षय, पलक का भाई। 12 साल का था जब गलत मेडिकेशन की वजह से ही पास्ट हुए। यू नो उसी दिन पलक ने डिसाइड कर लिया था कि वो डॉक्टर बनेगी और जो भी गलत मेडिकेशन है वो कभी भी पेशेंट्स तक नहीं आने देगी। तुम्हारे खिलाफ जंग का कारण ये अक्षय ही था। एक्चुअली उसकी लड़ाई तुमसे नहीं थी, अक्षय की याद के लिए थी। मैं कुछ छोड़ कर क्या था? ये तुम्हारे पास में से गिर गया था, सेतु ने बताया मुझे अक्षय के बारे में। He was your brother. I'm sorry. It's fine. Please एक ग्रीन टी दे दीजिए। Hi Ricky. रचना। How are you? I'm good. How are you? I was trying to call you यार, तुम मेरा फोन ही नहीं उठाते। एक्चुअली तुम्हें सोहा से मिलाना था। She's very interested in you. सोहा को मेरी तरफ से अपोलोजाइज करना है। क्यों? I'm engaged. So, उससे क्या फर्क पड़ता है? It's cool, yeah? हाँ, फर्क तो कोई नहीं पड़ता, पर मुझे पड़ता है। जब तक मैं सिंगल था तब तक ठीक था। Now I'm committed to somebody, so. Wow, Ritvik Moon loyal है। I thought you knew that. Anyway, I'll see you around. See you. Know that. Okay.
थैंक यू. तुम कुछ लोगे? मंदिर में कर लेते शादी. मंदिर में सॉलिड प्लानिंग करनी पड़ेगी यार, विटनेसेस ये वो सब कुछ. यार ये डैड भी ना कितने बार फोन करे आ रहा हूँ. ये रोहित फोन क्यों कट कर रहा है? पापा जिम में होंगे ना, एक काम करते ना, वहीं पे चले, वहीं पे बात कर लेना. अरे बेटा खुदा ना खास्ता वहाँ से निकल गए तो फिर दोबारा चक्कर पड़ जाना है. पापा आप भी ना, यू हैव नो पेशेंस. और हाँ, तेरे उन लड़की उठाने वाले प्लान से तो बेटर है. ओ रियली? मैंने कहा कि लड़की उठा लो तो वो रिडिकुलस प्लान है, और मंदिर जाके भाग की शादी करना वो लेजिटिमेट प्लान है. एक ही कैटेगरी के फुद्दू प्लान है ये. बाय द वे घर वाले से बात कर, उनकी सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला. उनकी सपोर्ट से तो टूटा है पहली बार. गाइस गाइस लिसन, कोर्ट की तारीख लेते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं. आई थिंक दैट्स मोर प्रैक्टिकल. गुड आइडिया. सेतु आई एम रियली सॉरी यार, मतलब आई नो तुझे तो शादी धूमधाम से करनी थी बट वी डोंट हैव ऑप्शन. करनी तो मुझे भी थी, मेरा भी इतना मन था तेरी शादी से. बैंड बाजा आता और ग्रैंड वेडिंग होती, सब आते. और कोई बात नहीं, इट्स ओके. सही आदमी के साथ हो रही है, चाहे सही तरीके से. इट्स ओके. राहुल हाय. हे हाय. अच्छा लिसन, रिकी कहाँ पे है? कॉफी शॉप में. ओह थैंक्स. चल ठीक है, माफ कर दूँ. तू भी क्या याद रखेगा कि मेरे जैसे कूल दोस्त से पाला पड़ा. ये किसी दिन ही जरूरी थी. आई लव यू टू बाय द वे. किसी दिन? हाँ प्लीज नूर. हाँ जी मैं आके साइन कर दूंगा, डोंट वरी. हाँ हाँ रोहित. अच्छा हुआ पुत्र तू यही मिल गया. वो यार एक फाइल साइन करानी थी तुझसे. आजा आ जाओ चेतिका. हाय कहाँ पे? मैं जिम आया था रोहित के साथ. तू तो कैफे में नहीं, एक्चुअली मैं कैफे आई थी. अभी निकला मैं वहाँ से. चल यार मुझे लगा हम लोग साथ में लंच कर लेंगे, तू इस टाइम फ्री रहता है ना? ना यार ये बारिश की वजह से आज से बहुत लेट हो गया हूँ. एक काम करते हैं शाम को मिलते हैं, शाम को बहुत ही टाइम है, बहुत टाइम है. अच्छा ओके सुन ना, मैं ना काट दिया. देखो पहला बेल है ना 8 बजे का है, उसके बाद अंदर नहीं जा सकेंगे. तो हरी अप एवरीबॉडी. नहीं अच्छी बात है, इतने दिनों बाद हम लोग नाटक देखने जा रहे हैं. बिल्कुल कामयाब हो गए. सारे के सारे प्ले देखने चले जाएंगे और फाइनली ऋत्विक और अनन्या को थोड़ा अलोन टाइम मिल जाएगा. प्लान किसका था डूड? आपका मैडम. वैसे भी लाइफ में जितने भी अच्छे प्लान होते हैं वो आप ही तो करती हैं. आई नो आई एम टू गुड राइट. यू आर. टिकट्स कंफर्म कर लेती हूं, हम चलते हैं. तुम अनन्या के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अपसेट है. रीवा के वक्त उसने हम लोगों का बहुत साथ दिया, आज रोहित की शादी टूटी है, वो लोग भी उसी सब से गुजर रहे होंगे. गिव अ टाइम, मेक अ फील गुड. वी आर फैमिली. उनके साथ मुसीबत के वक्त खड़े हों ये सबसे ज्यादा जरूरी है. तुम लोगों ने देख लिया ना प्ले? ओके सी यू. मामा. हाँ. आप लेट हो रहे हो. क्यों नहीं बताओ क्या हुआ? वो मम पिछले 3 महीनों से बहुत सारे दिल टूटे, पहले रीवा फिर अब रोहित.
ये दोनों मेरे इतने करीब से हुआ है, इसलिए शायद मैं बहुत अफेक्ट हो रहा हूँ। मम्मा आपने मुझे हमेशा कहा था कि यू शुड डू एनीथिंग फॉर द पर्सन यू लव, राइट? आई डिडली। और बात जब तो रिश्तों में से चुनने की हूँ, तब क्या करे इंसान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऋत्विक, जब दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, तो इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती। लेकिन कभी कभी ऐसा ही करना जरूरी नहीं कि सही हो। कभी कभी जिससे हम प्यार करते हैं उसे ना चुनना ही सही होता है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हर एक के लिए उसकी जिंदगी की सच्चाई कुछ और होती है, उसके सिचुएशंस कुछ और होते हैं, उसे उस हिसाब से चुनना पड़ता है क्या सही है और क्या गलत, ये वो ही तय कर सकता है। रीवा समर से शादी करना चाहती थी, समर नहीं करना चाहता था, वो किसी और से प्यार करता था। जो उसने किया उसका तरीका गलत था, लेकिन उसकी सच्चाई वो थी, उसने जो किया वो सही था। इसीलिए इंसान को अपनी सच्चाई ढूंढनी होती है और फिर उस सच्चाई की तरफ बेधड़क चल पड़ना चाहिए। मेरा भी इतना मन था तेरी शादी से, बैंड बाजा आता और ग्रैंड वेडिंग होती, सब आते। और अब सही करिए माँ। कहाँ? सच की तरफ। आरस तो की लिविंग इन हाफ एन आवर। मैं सुनो ना, इसमें से कौन सा पहनोगे? ये वाला ठीक है। ये वाला? हाँ। क्या हुआ? डोंट बी सैड, ओके? पार्टी में जा रहे हो, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। दुनिया को ये मत जता देना कि हम लड़की के पेरेंट्स हैं तो हमें झुक के रहना है। कैसी बात कर रही हो गायत्री? मैं क्यों झुकूंगा? मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि हमारी बेटी की शादी टूट गई, बस इस बात का दुख है कि हमारी बच्चे का दिल टूटा है। अच्छा चलो दो, मुझे आते समय लेट हो जाएगा, उसका जरा ध्यान रखना है और खाना वाना खा लेना। हाँ जल्दी आना। ओके। हाँ हाँ। पलक यार, रोहित ने तो किसी को बताया नहीं है कि हम कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। मॉम डैड को पता चलेगा तो कैसे रिएक्ट करेंगे यार? तू टेंशन मत ले, तू रिलैक्स कर। नहीं यार, कुछ करेंगे हम, तू टेंशन मत ले। हाँ मम्मा मैं निकल रही हूँ दो मिनट में, आप टेंशन मत लो। हाँ सुन सही, तू मैं अभी निकल रही हूँ, बट हम फोन पे सब कुछ डिस्कस करेंगे, तू टेंशन ही लेंगे। ओके प्रॉमिस 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 प्रॉमिस। लेकिन एक बात बताऊं, ये चीटिंग है। अरे उसके लकड़े के फट्टे पे और भी जगह थी यार, अगर केट थोड़ी सी साइड में सरक जाती तो लियो की जान बच जाती ना। ये हीरो के पीछे रो रहा है क्या? I mean, सब नॉर्मल है। अगर मैं रो रहा हूँ तो इसमें मेरी मर्दानगी को क्या फर्क पड़ता है? आई एम सुपरमैन, रिलैक्स। अरे दिक्की भाई पता नहीं कहाँ चले गए, मैंने सारा प्लान का पोपट कर दिया यार उन्होंने। आई कैन नॉट बिलीव दिस, आई एम रियली अपसेट। यानी सुन ना यार, मुझे लग रहा है ना वो रोहित के साथ, एक बार फोन करके देखना। देखनी भी नहीं तू। अरे और गलती से मैं तूने हाथ लगाना, मार दूंगी मैं तुझे। अरे मैं जब तक वापस नहीं आऊंगी कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे। नहीं, हम सारी फिल्म खत्म कर देंगे, नो वन इंटरेस्टेड, जस्ट गो एंड कॉल। हाय। हाय। अंदर आ जाओ। अंकल आंटी सो रहे होंगे ना, लेट्स नॉट डिस्टर्ब देम। यहाँ बैठे। सो बेसिकली मैंने सब सॉर्ट कर लिया। क्या? कि रोहित और सीतू की ये छुपा छुपी वाली शादी नहीं होने वाली, कोई कोर्ट मैरिज नहीं। आई मीन होगी इवेंचुअली, बट जो शादी होगी वो धूमधाम से पूरी सेलिब्रेशन के साथ होगी, एंड इट विल बी समथिंग स्पेशल, कुछ हटके हो। और ये सब तुमने कब डिसाइड किया? ये सब मैंने थोड़ी देर पहले, आई मीन शादी हो रही है यार, एंड शादी तो सबका सपना होता है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर झगड़े की वजह से किसी का सपना टूटे, डजंट लुक नाइस, राइट? और शादी सेलिब्रेट करने का सपना तो सेतु का भी है और आई एम श्योर रोहित का भी और मेरी फ्रेंड का भी, अपनी फ्रेंड के लिए। तुम हम सबके प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हो,
हाँ शादी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और लाइफ में एक ही बार होती है आई मीन आइडियली तो एक ही बार होनी चाहिए बट व्हाई नॉट मेक इट मेमोरेबल फॉर दिस टू पर तुम्हें पता है ना ये मैनेज करने के लिए मैं सबको मनाना पड़ेगा सब मैनेज कर लूंगा डोंट वरी अबाउट एनीथिंग आई हैव इट ऑल सॉर्टेड सैनिक फार्म में मेरा एक फार्म हाउस है वहां पर हम सब कुछ धूमधाम से करेंगे मैंने तो उनका हनीमून भी सॉर्ट कर लिया यार आई एम सेंडिंग देम टू ग्रीस आई विल मेक श्योर दैट देयर हनीमून इज सुपर मेमोरेबल वो तुम उन्हें बनाने दो लेट देम हैंडल इट पर सी तो बहुत खुश होगी रोहित और तुम मैं तो खुश हूँ बत्तीसी वाली स्माइल तो ठीक है मैं तुम्हें फोन करके बताता हूँ प्लान क्या है आई मैसेज यू गुड नाइट सुनो ठंड बहुत है कॉफी पियोगे नहीं मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आया था कि ये प्लान है ये बताना है तुम यहाँ तक आए फोन पे भी बता सकते थे आई मीन मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ तक आए कोई प्रॉब्लम नहीं है पर फोन पे भी बता सकते थे नो एक्चुअली वो आई वाज पासिंग बाय मैं यहीं से निकल रहा था सो आई थॉट कि तुम्हें आके बता दूंगा पर्सनली सो गुड नाइट रिक्की भाई के ड्राइवर से बात हुई और उसने मुझे बताया कि वो पलक मैम के घर पे तुझे बता के जा सकते थे ना यार एक तरफ मैं ऋतिक का साथ देना चाहती हूँ मेरा दिल मुझे उसके करीब ले जा रहा है और दूसरी तरफ मेरा दिमाग मुझे समझा रहा है कि ये ठीक नहीं है मैं किसकी सुनूं